लेट सी अनदर क्वेश्चन इनफैक्ट दिस टॉपिक ऑफ़ हेज अकाउंटिंग और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज इट्स इट्स वेरी ह्यूज एंड इनफैक्ट आई एस आई एफ आर एस नाइन जो है इसमें इन्होंने कोशिश की है कि इसमें थोड़ा सा सिम्प्लीफाई किया जाए हालांकि इट्स ए लॉन्ग वे इनफैक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये पूरा एक कोर्स है जो हम पढ़ाते हैं डरीवेटिव का और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशनस हैं बहुत सारे नए रूल्स फॉर्मूलाज एक्सेट्रा उसको भी हम नहीं जा रहे हैं हम सिंपली ये दिखाना चाह रहे हैं कि हेज इंस्ट्रूमेंट्स क्या है हैज आइटम क्या है और कैसे जो है हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं कैसे हंड्रेड परसेंट भी हो सकता है हंड्रेड परसेंट से ज़्यादा भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है लेकिन टू सर्टन एक्सटेंट जैसे मैंने कहा ना अगर आपका दस परसेंट से लॉस हो रहा है या दस परसेंट से प्रॉफिट हो रहा है दैट्स गुड एनफ यही वो हैजिंग का क्राइटेरिया है कि कम अज़ कम इस ब्रैकेट में ही आप रहें

यानी आपने कीनिया से एक प्लांट ख़रीदना है कॉफ़ी क्या तो उसमें आपको दो सौ दो लाख शिलिंग चाहिए और ख़रीदना कब है आपने वन ईयर्स टाइम इमिजिएटली नहीं एक साल के पीरियड में एक्सचेंज रेट करंट ये है कि आप दो शिलिंग मिलेंगे आपको एक रुपये के बदले अब रेट जैसे मैंने बताया ना कि मैंने करंट नहीं लिए जो भी मैंने आसान किया समझाने के लिए एज ए रिजल्ट ऑफ बींग रिस्क अवर्स अब देखिए ये भी जो वर्ड है रिस्क अवर्स कुछ लोग होते हैं रिस्क टेकर और कुछ होते हैं रिस्क अवर्स असल में गैम्बलिंग में जो है ना वो रिस्क ही है आपने इसको कैसे यानी कैसे बचना है दैट इज वॉट इट इज तो आप बेसिकली बचना चाहते हैं रिस्क से इट विशेज टू हैज द रिस्क दैट कॉस्ट ऑफ बाइंग शिलिंग विल राइज and so एंटर into a ए फॉरवर्ड रेट to buy बाई shillings शिलिंग्स ऑफ टू हंड्रेड year's इन वन the टाइम फॉर द फिक्स सम ऑफ रुपीज हंड्रेडेंड आपने तय कर लिया कि जी हमें आप एक लाख दो लाख शिलिंग चाहिए और रेट हमने तय किया है आज के रेट में यानी दो रुपये पर शिलिंग के हिसाब से आपको एक लाख रुपया द फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन एट इंसेप्शन इज ज़ीरो एंड डेजिगनेटेड एज एज इंस्ट्रोमेंट यानी जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है फॉरवर्ड का येज इंस्ट्रूमेंट्स बन गया आपका एट ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी अच्छा अब ये जुलाई में एंड हो या जून में एंड हो जब भी एंड हो अब डिपेंड करता है दिनियन शिलिंग हैज डेप्रीशेड द एक्सचेंज रेट इज वन रुपी ऑफ टू फिफ्टी शिलिंग्स अब आप मुझे बताएं कि आपको नुकसान हो रहा है कि गेन हो रहा है इस केस में या एक और तरीके से देखें रुपी अप्रीशिएट हो रहा है कि डेप्रिशिएट हो रहा है या शिलिंग डेप्रिशिएट हो, हो रहा है कि अप्रीशिएट हो रहा है वेरी सिंपल थिंग देखिए पहले था एक रुपया दो शिलिंग मिलते थे अब आपको एक रुपये के बदले में टू पॉइंट फाइव ढाई शिलिंग मिलेंगे तो बेसिकली रुपया अप्रिशिएट हो रहा है शिलिंग डेप्रिशिएट हो रहा था ये भी एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना कि कौन सी करेंसी अप्रेशिएट हो रही है तो डिपेंड करता है और ये ड्यू टू इन्फ्लेशन की वजह से ही होता है एंड द वैल्यू ऑफ टू हंड्रेड शिलिंग्स इज नाउ रुपीज एटी क्योंकि अगर आप टू हंड्रेड मिलियन को डिवाइड करें टू पॉइंट फाइव से तो वो आपका बनेगा एटी थाउजेंड शिल्ग एटी थाउजेंड रुपीज इट रिमेन्स एट दैट वैल्यू अनटिल प्लांट इज बॉट कहते यही रहेगी कोई दरमियान में चेंज नहीं है हालांकि चेंजेस आती हैं लेकिन हम आसान कर रहे हैं काम को कि हमने एक ही चेंज लिए बाकी चेंज नहीं अगर आपको याद हो मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट uh, फ्यूचर में समझाई थी कि अगर चेंज होती है तो उसमें कैसे लॉस और गेन बुक होता है और एट दी एंड ऑफ द डे हम नेट ऑफ कर लेते हैं लॉस और गेन को तो लेट्स सी हाउ शुड बी अकाउंटेड फॉर दिस इज अ कैश फ्लो हैज बिकॉज द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हैज़ नो फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन

फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप देखें कि कैश फ्लो हैज रिजर्व को आप डेबिट करेंगे कितने से पच्चीस डिफरेंस जो है एक लाख रुपीस का और अस्सी हज़ार का जो डिफरेंस है बीस हजार से आप वो एंट्री बुक कर लेंगे अब इसमें है क्या देखें कि ये आपकी अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जाएगी यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अभी नहीं जाएगा जब तक कि फाइनल नहीं हो जाता अभी आप ये सिर्फ ओ में डालेंगे और आप अपनी लाइबिलिटी बुक करेंगे टू मिलियन ट्वेंटी थाउजेंड हैड दिस नॉट बीन डेजिनेटेड एज हैज इंस्ट्रूमेंट द लॉस वुड हैव बीन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाउ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विल सेटल्ड एंड क्लोज्ड द एसेट इज परचेज अब जब आपने एसेट परचेज करना है और आपने पेमेंट करनी है प्लांट को डेबिट करना है तो उस वक्त की एंट्रीज हमारी क्या होगी सिंपली प्लांट आप एक लाख का ही खरीद रहे हैं लेकिन जो लाइबिलिटी है उसको आप डेबिट कर रहे हैं जो आपने क्रिएट किए एक्चुअली है नहीं थी लाइब लेकिन आपने उसको रिवर्स करना है और कैश आपने क्रेडिट करना है वन मिलियन से ही वन हंड्रेड थाउजेंड से ही और जो डिफरेंशियल है वो आपका अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में चला जाएगा जैसे मैंने शुरू में बताया कि दो रुपये की बजाय आप ढाई रुपये एक रुपए के बदले में ढाई रुपये मिल रहे हैं तो आपको बीस हज़ार का फ़ायदा हो रहा है तो वो जो फायदा है ना फाइनली स्टेज पर जब आप कंक्लूड करेंगे इस डील को तब आप रिकॉर्ड करेंगे उससे पहले नहीं उससे पहले आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से उसको एंट्री डाल लें लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तभी जाएगा जब आप इसको फाइनली सेटल करें तो दिस इज़ वॉट बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इनफैक्ट दर इज़ अ लॉट इन इट वी कॉन्ट रियली सच इज़ एंड ऑफ इट नो there are a lot of things. in fact, so many issues come across in these financial instruments, and there is no end to it. since we have a limited time, so we have to conclude here. and this chapter of financial instruments, hedge accounting, forward rate, future rates, options, treasury stocks, etc., we have concluded all this. in fact, it's a very huge topic, and we have covered, We tried our best to cover as much as possible with the due time. Thank you very much.